और अब अंजलि की दोस्त निधि पर टीवी 9 का सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। निधि ने 16 लाख रुपए कैश देकर घर खरीदा था, ये बड़ी बात सामने आई। अपनी माँ को भी घर खरीदने के लिए साथ ले गई थी निधि। 17 लाख की डील हुई थी और 16 लाख में तय की गई थी। निधि ने 16 लाख रुपए कैश देकर घर खरीदा था, कैश दिया था निधि ने 16 लाख रुपए, और उसके बाद ये 3 मंजिला इमारत खरीदी गई थी, घर खरीदा गया था। अच्छा, ये निधि नहीं है, फ्लैट जो है कितने का लिया था ये बताइए? पूरा बिल्डिंग, ये पूरी बिल्डिंग ली थी 16 लाख। 16 लाख की ली थी। ये कितने उसमें है, गज में है? ये 25 गज। 25 गज में है। 3 मंजिल बना बनाया लिया था। हाँ, ये अच्छा, और 16 लाख का लिया था। और इसमें कैश कितना दिया था और वो कितना था वाइट में? 16 लाख रुपए पूरा कैश में था, क्योंकि बैंक से लेकर तो आए थे, निकलवा तो बैंक से लेकर आए थे। हाँ, पर इन्होंने यहाँ इनको, क्योंकि उन्होंने पेमेंट ली नहीं थी। तो प्रॉपर्टी डीलर के साथ आपको हम ये स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहे थे, और उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 16 लाख रुपए निधि ने कैश दिए थे। दरअसल ये खबर इसलिए और बड़ी है क्योंकि आज ही खुलासा हुआ है कि साल 2020 में निधि को आगरा में पुलिस ने ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। हमारे पास उस वक्त निधि की गिरफ्तारी की FIR की कॉपी भी है। ये FIR की कॉपी आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। उस वक्त निधि के साथ 2 लड़के भी गिरफ्तार किए गए थे। तो क्या इतने सालों तक निधि ड्रग्स के धंधे में भी थी और इसीलिए वो 16 लाख रुपए कैश देकर घर खरीद पाई? ये बहुत बेसिक और मूलभूत सवाल है जो कि सबके जहन में इस वक्त मौजूद है कि 16 लाख रुपए कैश के तौर पर निधि के पास कहां से आए, और जो निधि की गिरफ्तारी हुई थी वो ड्रग्स केस में गिरफ्तारी हुई थी। और आपको बता दें, निधि क्या आरोप निधि पर यह भी है कि निधि क्या ड्रग पेडलर थी? क्या प्रोक्योरमेंट किया जाता था ड्रग का, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम किया जाता था? ये क्या था ये केस, ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें हैं जब निधि को गिरफ्तार किया गया था। निधि के पास से ड्रग्स बरामद की गई थी, उसके साथ 2 लड़कों को भी गिरफ्तार किया गया था, उनके पास से भी ड्रग्स बरामद। ये दिसंबर 2020 की तस्वीर है जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। ये दिसंबर 2020 की तस्वीर है। लेकिन ये जो निधि अब तक सबसे बड़ी गवाह थी, सबसे बड़ी आई विटनेस है, इसका जब खुलासा हुआ तो वाकई ये बड़ा खुलासा है। और एक बार फिर से हम आपको उस प्रॉपर्टी डीलर के साथ ये जो स्टिंग ऑपरेशन है वो हम सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। वैसे कि ये कंफर्म है कि कैश में लिया था इसने? कैश में खरीदा था, क्योंकि वैसे लेके बैंक से आए थे, बाकी उनका कैश ही नहीं। बैंक वाली बात आपको कैसे मालूम होगी? क्योंकि नहीं, ये एक्चुअल में ये क्या था कि जब इनसे हो रही थी ना पेमेंट की, तो एकदम तो निकाल के ला नहीं सकते थे। बिल्कुल, ये कंफर्म है कि कैश में लिया था इसने? कैश में खरीदा था, क्योंकि वैसे लेके बैंक से आए थे, बाकी उनका कैश ही नहीं। बैंक वाली बात आपको कैसे मालूम होगी? क्योंकि नहीं, ये एक्चुअल में ये क्या था कि जब इनसे हो रही थी ना पेमेंट की, तो एकदम तो निकाल के ला नहीं सकते थे। बिल्कुल। अब आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि निधि के पास इतने पैसे कैसे आए? जल्दी से कुछ इन्फॉर्मेशन और बता देते, क्योंकि आरोप अब ये लग रहा है कि क्या निधि ड्रग पेडलर है, और आखिर निधि के पास 16 लाख रुपए कैश के तौर पर, जो प्रॉपर्टी डीलर कह रहा है कैश में पेमेंट की है, वो कहां से आए? सिर्फ 3 महीने में निधि ने 16 लाख कैश आखिर कैसे इकट्ठा कर लिए? इसके अलावा क्या लंबे समय से किसी और कारोबार में थी निधि? ये एक बड़ा सवाल है जो कि अब तक इसकी गुत्थी सुलझी नहीं है। ड्रग्स केस में निधि की गिरफ्तारी के बारे में अंजलि क्या जानती थी? अब अंजलि पर सुई है कि क्या वो जानती थी इस सब केस के बारे में? क्या निधि की माँ जानबूझकर सच छिपा रही है? क्या निधि की माँ को भी ये पता था? जब हमने पूछा, हम लगातार निधि की माताजी से भी बात करते रहे। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, बहुत बड़ा खुलासा है। पहली बात तो ये कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा फ्लैट लिया, 3 मंजिला फ्लैट, ये पूरी बिल्डिंग 16 लाख रुपए में खरीदी, ये पैसा कहाँ से आया? और प्रॉपर्टी डीलर कह रहा है हमारे स्टिंग में कि ये पैसा कैश के तौर पर चुकाया गया था निधि की तरफ से। और फिर 2020 की तस्वीर भी आती है जब ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुई थी निधि।
जी बिल्कुल, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का ये पूरा मामला बनता है। और मैं चाहूंगा देखिए वो प्रॉपर्टी दिखाना जो प्रॉपर्टी इस टाइम टीवी 9 भारतवर्ष दिखा रहा है कि 16 लाख रुपए में कैश में वो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। ये देखिए, ये वो प्रॉपर्टी है 3 मंजिला जो कि 16 लाख रुपए में खरीदी गई थी। बाकायदा कैश दिया गया था 16 लाख रुपए। 3 मंजिला इमारत है। ये जो ग्राउंड फ्लोर आप देख रहे हैं, इस ग्राउंड फ्लोर पर दरअसल निधि और उसका परिवार रहता था। और ये जो आप ऊपर वाले जो 2 फ्लोर देख रहे हैं, दरअसल ये 2 फ्लोर इनको निधि ने किराए पर चढ़ाया हुआ था। तो फिलहाल ये वो प्रॉपर्टी है जो आप देख रहे हैं। ये देखिए, अभी फिलहाल ये प्रॉपर्टी लॉक कर दी गई है। कल तक निधि इसी घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन पुलिस का दावा था कि निधि की सिक्योरिटी को लेकर उसे यहाँ से दूसरे स्थान पर लेकर जा रहे हैं। तो उसके बाद इस जो नीचे आपके ग्राउंड फ्लोर देख रहे हैं, इस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फिलहाल पूरे तरीके से ताला लगा हुआ है। लेकिन ये वो प्रॉपर्टी है सुल्तानपुरी इलाके की जो कि बताया जा रहा है, प्रॉपर्टी डीलर ने टीवी 9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया है। जी बिल्कुल, देखिए जो आप ये फर्स्ट फ्लोर देख रहे हैं, ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, इसके ऊपर बताया जाता है कि ये किराएदार इसके ऊपर रह रहे हैं। निधि ने किराए पर मकान चढ़ा हुआ है, जबकि जो ग्राउंड फ्लोर है, इस ग्राउंड फ्लोर पर निधि खुद अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहती थी। फिलहाल निधि कहाँ पर है पुलिस की कस्टडी में, पुलिस ने उसको कहाँ रखा हुआ है, कहाँ उसकी स्टेटमेंट फिर से दर्ज की जा रही है, जो नए खुलासे जाँच के दौरान होते जा रहे हैं उनको लेकर, इसके बारे में अभी तक कुछ भी पुलिस की तरफ से नहीं बताया गया। जी एक सवाल इस केस के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी। 2020 दिसंबर 2020 की एक तस्वीर सामने आई है, निधि को आगरा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उसके पास ड्रग्स बरामद हुई थी और साथ में 2 और की गिरफ्तारी हुई थी। ये केस क्या है? जी बिल्कुल, देखिए साल 2020 दिसंबर का ये मामला है जो कि आगरा कैंट इलाके का मामला है। आगरा पुलिस को जानकारी मिली थी कि 3 लोग जिसमें एक लड़की भी शामिल है, ये सभी तेलंगाना से ट्रेन के माध्यम से ड्रग्स लेकर आ रहे हैं। गांजा है जिसमें, और तकरीबन 30 किलो गांजे की बरामदगी इन 3 लोगों से हुई थी जिसमें निधि भी शामिल थी। निधि के अलावा 2 अन्य लोग भी उसके साथ गिरफ्तार हुए थे। उस दौरान बाकायदा आगरा पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। टीवी 9 भारतवर्ष के पास वो एफआईआर की कॉपी भी है। माफ कीजिएगा जितेंद्र, मैं आपको रोक रही हूँ, मैं आपके पास आऊंगी और डिटेल्स के साथ। टीवी 9 के पास वो एफआईआर की कॉपी भी है। लेकिन अब टीवी 9 के कैमरे पर निधि के एक और झूठ का पर्दाफाश हुआ है। निधि के काम के बारे में निधि की माँ को नहीं पता था, निधि की माँ नहीं जानती थी कि निधि क्या काम करती है। काम के सवाल पर निधि की माँ ने गोलमोल जवाब दिया जब उनसे पूछा गया। मकान और काम के सवाल पर माँ ने गोलमोल जवाब दिया था। मतलब वो निधि क्या काम करती है तो मालूम है आपको? ये नहीं, मेरे को नहीं पता। वैसे मैं तो कम ही मिलती ही सिलती हूँ ना, वैसे उससे कभी चली जाती हूँ कभी कभार, ऐसे ही तो मिलती तो होगी ना। हाँ मिलती है, माँ तो हूँ, मिलती तो हूँ, वैसे इतना नहीं मैं मिलती, बस कम ही मिलती थी। तो मालूम ही लगता है ना माँ की, मेरी बेटी क्या काम करती है। हाँ क्या काम करती है, बेटी ब्यूटी पार्लर में बताती थी हमारे से, तो ब्यूटी पार्लर में। तो मकान कब लिया नहीं मालूम? नहीं। और आपको बता दें कि कंझावाला केस में टीवी 9 ने बड़ा खुलासा किया। कंझावाला में पुलिस के संरक्षण में थी निधि, पुलिस ने निधि से बात करने नहीं दिया गया। टीवी 9 के रिपोर्टर को पुलिस ने बात करने से रोका है। अपने घर में भी पुलिस पहरे में थी निधि, तो निधि लगातार पुलिस पहरे में है। और जितेंद्र, हम कल तस्वीरें हम दिखाई रहे थे ये दर्शकों को कि निधि किस तरह से जवाब नहीं दे रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि निधि पूरे इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर रही है। अभी निधि कहाँ है? जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। दिल्ली पुलिस का हालांकि यही कहना है कि एक लौती चश्मदीद है पूरे घटनाक्रम की, और ऐसे में उसकी सिक्योरिटी बेहद जरूरी है। और सिक्योरिटी का बहाना बनाकर दिल्ली पुलिस कल उसे इसी घर से, जो निधि का घर है, जो कि अभी हमने दिखाया अभी कि 16 लाख रुपये कैश देकर उसने घर खरीदा था, इस घर से पुलिस उसको लेकर गई है। पुलिस का कहना है कि उसको एक सेफ प्लेस पर रखा गया है, लेकिन वो कौन सा सेफ प्लेस है उसके बारे में कोई भी खुलासा अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है। जहाँ तक निधि की माँ का सवाल है, कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट आ रहे हैं लगातार वो भटकाने वाले स्टेटमेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है कि निधि क्या करती है, निधि 16 लाख रुपए कहां से लेकर आई कैश, इस बारे में उसकी मां को नहीं पता था। तो ये वो तमाम सवाल है, थोड़ा संदेह बना हुआ है निधि को ही शक के दायरे में। जितेंद्र, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 16 लाख का फ्लैट ले, 16 लाख का मकान ले लिया, ये माँ को जानकारी नहीं कि कितने का मकान लिया, माँ को ये भी जानकारी नहीं कि निधि काम क्या करती है, इस पर जरूर संदेह बना हुआ है। शुक्रिया जितेंद्र आपका ये जानकारी के लिए। लेकिन वो बातचीत जो कि निधि लगातार पुलिस पहरे में है, वो बातचीत अब हम आपको सुनवाते हैं कि पुलिस वालों की आवाज़ भी इसमें सुनाई दे रही है। ठीक हो तुम, सही सलामत हो, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं पुलिस वाले से या किसी भी चीज़ से?
कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? खाना वाना खा लियो टाइम से? बढ़िया से? अच्छा, बाकी अभी जो टीवी पे चल रहा है तो देख ही रही हो आप? मैं बस केवल समझ रहा हूँ, बस केवल कि टीवी में इसलिए कैमरा पर लेकर नहीं आया हूँ, बस केवल आपसे ये पूछ रहा हूँ, टीवी पे देख ही रही हो तो न्यूज देख के क्या लग रहा है आपको जो आपके बारे में चल रहा है कि निधि का इसमें ये रोल है, ये रोल है? कुछ है ठीक है।